तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को मोबाइल में कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पास एक जो अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है तो उसको मैं मोबाइल में कनेक्ट करना है। तो अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि इस हमारा जो स्मार्ट वॉच का यहाँ पे चार्जिंग पे है। तो आपको स्मार्ट वॉच को मोबाइल में कैसे कनेक्ट करना है, तो आपका जो स्मार्ट वॉच है वही आपको ओपन कर देना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है। तो आपको इस तरह ओपन करना है और ओपन करके आपका जो मोबाइल है, तो मोबाइल में आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना है। तो गाइस, आपको कई सारे जो अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को यहाँ पर जो परचेस करते हैं तो यहाँ से उसका जो ऐप का लोगो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आई वॉच प्रो का ऐप है वही आपका मोबाइल में इंस्टॉल करना है। तो चलिए, मैंने मोबाइल डेटा को ऑन कर दिया है। तो गाइस, आपको इस तरह प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन कर देना है। तो अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि आप जो ऐप है वही मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो आई वॉच का जो ऐप है वही आपका मोबाइल में इंस्टॉल करना है और जो हमारे पास अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है तो इसको हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करके कई सारे ऑप्शन पर दिखने को मिल जाता है। तो गाइस, आपको यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन है तो इसमें आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो स्मार्ट वॉच है उसका जो नाम है यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फाइंड पे क्लिक करना है। तो हमारा पास जो अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है तो इसको हमें कनेक्ट करना है। तो अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा वॉच का नाम है यहाँ पर हमारा शो हो चुका है। तो चलो, उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस, आपको इस तरह क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे वेट करना है। तो आपका जो अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है वही आपका मोबाइल में कनेक्टेड हो जाएगा। तो अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा सही से कनेक्टेड हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं डायल सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। तो चलो, मैं वॉलपेपर को आपको चेंज करके बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हमारा सही से कनेक्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गाइस, मैंने डायल सेटिंग पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ से आपको कस्टम का ऑप्शन है तो उसमें आपको साइट में क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको कस्टम पे क्लिक करना है। तो कई सारे जो वॉलपेपर है यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाता है। तो आपको किसी भी वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हो वो भी स्मार्ट वॉच में, तो आपको आसान तरीके यहाँ पे आपको चेंज कर सकते हो। तो गाइस, कई सारे जो यहाँ पे वॉलपेपर है तो आपको किसी भी फोटो पे क्लिक करना है। तो चल, मैं यहाँ पे किसी भी एक फ़ोटो पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्मार्ट वॉच है तो उसमें जो वॉलपेपर है उसको हमें चेंज करना है वो भी मोबाइल से। तो यहाँ से आपको कई सारे जो वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको किसी भी वॉलपेपर पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे सेट गैलरी का ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक करके यहाँ से आपको व्यू पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका गैलरी में कई सारे फ़ोटो है यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपको फ़ोटो को स्मार्ट वॉच में लगाना चाहते हो तो यहाँ से आपको स्मार्ट वॉच में वॉलपेपर पे सेट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे कई सारे जो फ़ोटो है, तो चलिए यहाँ से मैं फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया है और क्लिक करके आपको यहाँ पे सेट फ़ोटो पे क्लिक करना है। तो चलिए, यहाँ से मैं सेट पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके आपको यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको वेट करना है। तो यहाँ से हमारे जो स्मार्ट वॉच में यहाँ पे जो वॉलपेपर है यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि इंस्टॉल हो रहा है। तो चलिए, यहाँ से हमने वेट कर दिया है और वेट करके आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। तो गाइस, स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमने डन पे क्लिक किया, तो जो भी हमारा स्मार्ट वॉच है तो उसमें जो वॉलपेपर है यहाँ पर हमारा चेंज हो चुका है। तो इसी तरह आपको यहाँ से जो अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है उसमें आपको वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो तो वैसे आपको वॉलपेपर पे चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको मोबाइल में स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करना है तो आपको आसान तरीके यहाँ पे कनेक्टेड कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चलते नेक्स्ट वीडियो में।